subscribe and press the bell icon for latest update. ओम प्रकाश रावत कल यानी कि 23 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालेंगे। बता दें आपको, रावत इससे पहले चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब वो सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। रावत एसके ज्योति की जगह लेंगे, जो कि आज रिटायर हो रहे हैं। तो वहीं पूर्व वित्त सचिव अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस बारे में मंत्रालय की सूचना के मुताबिक रावत 23 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कामकाज संभालेंगे और उनका कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा। इसके बाद सबसे वरिष्ठ आयुक्त अरुणा परंपरा के मुताबिक चुनाव आयुक्त के अगले प्रमुख हो सकते हैं। साल 2021 तक अरोड़ा अपने पद से रिटायर होंगे, साथ ही वो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में साल 2019 के लोकसभा चुनावों को देख सकते हैं। जानकारी दे दें आपको कि चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन अगर वो 65 साल के हो जाते हैं तो रिटायर हो सकते हैं। इसी बीच अगर बात करें एके ज्योति यानी कि अचल कुमारी ज्योति की, तो उनका कार्यकाल ठीक ठाक रहा है, लेकिन हाल ही में रिटायरमेंट से पहले उन पर आरोप लगा कि वो मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर पार्टी ने एके ज्योति पर केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया था। पार्टी ने कहा था कि ज्योति जल्द ही रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला सुनाया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।